Hello, my lovely students out there. I hope you are doing your studies good and enjoy your life too. All right. So start करते हैं session. बड़ा मजा session है यार. Securitization. Of course, exam के लिए important है. Of course, exam के लिए important है. यहाँ पर कुछ और भी important aspects हैं जो इस chapter के अंदर मैं कुछ last year important amendments किए गए थे. Means amendments in terms of यूनिवर्स इसके प्रोविजंस को लेके उसको भी मैं डिस्कस करूंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में पहले छोटी सी बात करते हैं. आपने देखा है हम वर्ड यूज कर सिक्योरिटाइजेशन. द वर्ड सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली इसके पीछे एक छोटी सी और बड़ी सी भी स्टोरी है. अगर मैं आपको बताऊं ध्यान समझेगा जब हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन तो हम यहाँ सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज इज नथिंग सिंपली अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सिक्योरिटी क्या है? एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. लिसन वेरी केयरफुली. जब बोले ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या यहां पर है दो तीन एस्पेक्ट समझने वाली है. हमने अभी सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में लिया है क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स. फिनेंशियल एसेट्स क्या है ये समझते हैं पहले. छोटी सी बात पकड़ रहे हैं फिर मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा. पहले आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा. फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? जनरली आपने देखा होगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको. और बैंक जो बैंक होते हैं बच्चे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFCs ये क्या करती हैं बेटा आपको मनी मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को बोरोअर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग लोन्स प्रोवाइड करती हैं. क्या करती हैं? लोन्स देती हैं किसको? बोरोअर को. अब सपोज क्या हुआ कि ये जो लोन्स है ना ये NPA बन रहे हैं. NPA समझते हैं बेटा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. मतलब इन लोन्स को बैंक ने दिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिया या NBFC ने दिया किसी बोरोअर को. वो एक लोन कैसा हो सकता है उसी का मैं नाम बता सकता हूँ आपको. ध्यान से रखिएगा वो होता है बिजनेस लोन हो सकता है बिजनेस लोन. वो एक आपका स्टूडेंट लोन हो सकता है एक होम लोन हो सकता है ऑटोमोबाइल लोन्स हो सकते हैं. ठीक है एग्जाम्पल देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो सकती हैं. ठीक है कंज्यूमेबल लोन्स हो सकते हैं कंज्यूमर लोन. सब समझाऊंगा अभी पहले से सब सुन लो. ठीक है तो बैंक के लिए तो एसेट्स बन गई. बैंक ही क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स. भाई बैंक ने आपको पैसा दिया है बैंक आपसे पैसा लेगा तो बैंक के तो बैलेंस शीट्स हम देखेंगे तो क्या हो रही है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स. बेटा क्या हो जाता है कई बार जब इसे NPA बोल रहे होते हैं तो ये फाइनेंशियल एसेट्स जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए यहाँ पे होम लोन्स बैंक बिजनेस लोन्स कमर्शियल लोन्स रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन्स ठीक है स्टूडेंट लोन्स ऑटोमोबाइल लोन्स ये सब क्या बैंक जब आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंक या इंस्टीट्यूशन NBFCs प्रोवाइड कर रही हैं तो बैंक के बैलेंस शीट्स में हम उसे एज ए प्रेजेंट करेंगे क्या एसेट्स. बेटा लेकिन ये एसेट्स क्या होती है कई बार इलिक्विड होती है बिकॉज ऑफ NPA. NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब लोन दे दिया गया बट जो बोरोअर है ना बोरोअर बेटा क्या इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया है तो बैंक अल्टीमेटली अपनी उस एसेट्स को क्या दिखाता है NPA में क्लासिफाइड करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. और जैसे ही बेटा ये जो एसेट्स हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती हैं तो बैंक के लिए एसेट्स कैसे होंगी इलिक्विड एसेट्स. बैंक के लिए कैसे ट्रीट होंगी इलिक्विड एसेट्स. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब हम सिक्योरिटाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कहा कि सिक्योरिटाइजेशन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है. अब अगर वर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करता तो डायरेक्टली मैं आपको बोल सकता था सिक्योरिटाइजेशन काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स. बट मैं पहले समझा रहा हूँ सिक्योरिटी रिसिट्स आई कहाँ से. ध्यान सुनना सिक्योरिटी रिसिट्स कहाँ से आ रही है? ट्रांसफॉर्मेशन. और सर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कर रहे हैं? फाइनेंशियल एसेट्स को. ये सर फाइनेंशियल एसेट्स कहाँ से आई? ये फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स हैं जब बैंक ने किसी बोरोअर को क्या दिया था बेटा लोन्स दिए थे. किस तरह के लोन्स हो सकते हैं? कमर्शियल लोन्स रेजिडेंशियल लोन्स मेरे बच्चे बोलिएगा साथ में याद करना है ना. एंड और क्या हो सकता है? होम लोन्स हो सकते हैं स्टूडेंट लोन्स हो सकते हैं ऑटोमोबाइल लोन्स हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स. अब ऐसे लोन्स को देने के बाद में जब मनी बैंक को वापस पैसा नहीं मिल रहा है अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट डिफॉल्ट हो रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं आ रही प्रिंसिपल पेमेंट्स आ रही है तो बैंक को उसे क्या क्लासिफाइड करना पड़ता है? NPA. तो बैंक के लिए क्या बन जाता है? वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. क्या ये तरीका
सोचने वाली बात है। अगर हर बैंक, अब सोच के देखो, बैंक आपको पैसा दे रहा है, अल्टीमेटली आपको बैंक से मनी रिसीव ही नहीं हो रही है। यू नो बट इन अर्ली 19th सेंचुरी और उससे थोड़ा अगर बात करें 1875 के बाद से और 1915 के अराउंड, तो बैंक के डूबने के कारण जो बैंक, बहुत सारे बैंक्स डेवलप भी हुए और बैंक वाइंड अप भी हुए क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं थी। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा, सिर्फ ये थोड़ा सा हम देखेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात बता रहा हूँ बट इम्पॉर्टेंट है। तो बैंक की अच्छी फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरत है? बैंक के पास में जब आपको बैंक प्रोवाइड मनी कर रहा है तो बैंक को पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्लियर? कहीं ना कहीं बेटा, जब पब्लिक आपको पैसा दे रही है, सोच के देखो बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? पब्लिक की डिपॉजिट्स आई हैं, उसी डिपॉजिट्स को बैंक आगे क्या करता है? एज अ लोन प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली अगर बैंक की एसेट्स फ्लॉप होंगी, एनपीए ट्रीट की जाएंगी, तो क्या ये जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक के कस्टमर्स हैं, क्या बैंक के ऊपर फेथ कर पाएंगे? आंसर इज नो। सो ऐसी एनपीएस को हम क्या करते हैं, एक कंपनी को हम सेल कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन, या उसको हम बोलते हैं कई बार रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल बात आ रहा है। तो बैंक क्या करता है बेटा, इन एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सेल कर देगा, ठीक है? सेल कर देगा किसको? रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को। अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ समझ लो अभी, ठीक है? जब जैसे इस बैंक इसको सेल कर देगा, बैंक जब इसको सेल कर देगा इनको, किसको? एनपीएस को। किसको? रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो ये क्या करेंगी, उस सिक्योरिटीज को, उस लोन्स को, मीन्स जो एनपीएस हैं, उसी को सेल आउट कर देंगे। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान सुनना अभी। उसको सेल आउट कर देंगे फर्दर, और जब वो सेल आउट हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसके बदले में हम एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देंगे, उसका नाम होगा हमारा सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर? समझो, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, बट बेसिकली इसका नाम मैं बताऊंगा सिक्योरिटी रिसिट्स। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स, तो यहाँ नाम देंगे उसका सिक्योरिटी रिसिट्स। और आपने, कई बच्चों ने बेटा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 पढ़ा होगा, उसके अंदर भी ड्रास्टिक चेंज किया गया, और ड्रास्टिक चेंज किया गया सिक्योरिटी रिसिट्स को डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। इज इट क्लियर? ये छोटा छोटा बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ था? ये एक्चुअली यूएस बेस्ड कॉन्सेप्ट था, इन 1917 याद रखिएगा, 1970 इसे इंट्रोड्यूस किया गया, फिर कई सारे रिफॉर्म्स ये उसमें चलते रहे उसको लेके, एंड बट इन 1990 इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को रखा गया। इंडिया में फर्स्ट डील जो हुई थी इन 1991 बिटवीन सिटी बैंक एंड GIC म्यूचुअल फंड्स, GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट म्यूचुअल फंड, वहां पर फर्स्ट टाइम सिटी बैंक ने अपने एनपीएस को सेल आउट किया था GIC म्यूचुअल फंड्स को, ताकि वो क्या कर सके, एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सके। इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सिक्योरिटीज बन सके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बन सके, ताकि कुछ वहाँ से पैसा जनरेट हो सके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये पैसा आएगा कैसे, उसी को मैं क्लियर करता हूँ। जनरली क्या होता है, जब हम यहाँ लोन्स की बात कर रहे होते हैं, लोन जो हमने नेचर देखा, रेजिडेंशियल लोन्स हैं, ठीक है, या हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल लोन्स हैं, या हम बात करेंगे स्टूडेंट लोन्स हैं, यू नो व्हाट, ऐसे लोन्स के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे कुछ ऐसी कैटेगरीज फाइंड आउट करेंगे जो सिक्योर लोन्स होंगे और कुछ अनसिक्योर लोन्स होंगे, ठीक है? उनकी कैटेगरी बनाकर एक हम पूल बनाएंगे, अभी बताता हूँ। बेसिकली पूल बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि होमोजीनियस कैटेगरी के, यू नो व्हाट होमोजीनियस मतलब सिमिलर नेचर के, जिनकी मैच्योरिटी, जिनकी मॉर्गेज, जिनको जो बैक्ड बाय मॉर्गेज है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे एक पर्सन ने होम लोन लिया, होम लोन लेने के बाद में जो बैंक से लोन लिया, बैंक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। इज इट क्लियर? अब वो सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर है कि अगर कभी भी डिफॉल्ट करता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि बोरोअर है, इन दैट केस बैंक के पास राइट होगा उसको लीज करने का, सेल आउट करने का, ठीक है, या ऑफकोर्स इमीडिएट पोजीशन लेने का। इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ध्यान सुनना, इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसे सरफासी एक्ट बोलते हैं, सरफासी एक्ट 2002, इससे पहले बैंक्स के सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस ये थी कि जब भी बैंक अपनी लोन्स की रिकवरी करने जाता था तो बैंक के सामने चैलेंज आता था
कि यू नो व्हाट, पहले आप सूट फाइल कीजिएगा, फिर सूट फाइल करने के बाद में कोर्ट हियरिंग्स होंगी, और अगर कोई लगता है क्रिमिनल एक्ट है तो मजिस्ट्रेट के सामने बैंक को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था, एंड इट टेक्स टू मच टाइम। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ना क्या करती थी कुछ स्मार्ट कंपनीज एंड स्मार्ट बॉरोवर्स, बेसिकली कंपनीज की बात कर रहा हूँ पहले यहाँ पर मैं, वो क्या करते थे, BIFR, आपने नाम भी सुना होगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जी हाँ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में अपनी एप्लीकेशन लगा दी थी कि त्राही मैम हमें बचाइए क्योंकि हमारा तो पैसा डूब रहा है, हमारी कंपनी खत्म हो रही है। और उसका बोर्ड का काम क्या था, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ऐसी वीक हैं, जो ऐसी एंटिटीज जो यू नो वट परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। सो एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, खैर मैं यहाँ बाद में आऊँगा और इसके डील में। तो बैंक्स को अपनी रिकवरी करनी बड़ी मुश्किल होती थी। अब क्या हुआ बेटा, अब ये रिकवरी नहीं होगी तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, अगर लास्ट अगर देखें तो हम लोग अल्टीमेटली जाएगा इम्पैक्ट पब्लिक पर, क्योंकि पब्लिक आपको पैसा दे रहा है, मींस बैंक्स को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और अल्टीमेटली जब वो रिकवरी ही नहीं पैसा जनरेट हो रही है तो अभी सोचने वाला बात है, जो समझो ना, एक बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया बैंक का दिवाला निकल गया है, ठीक है, आपको रात भर नींद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे पता लगेगा कि हे भगवान इतना बड़ा नुकसान हो गया बैंक का, तो हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि अभी आप जैसे ही बैंक में जाते हैं तो आपका इंश्योर्ड होते हैं 5 लाख रुपीज़ के लिए, 5 लाख तक के लिए, ओके, वो खैर आगे समझाऊंगा किसी और कॉन्सेप्ट पर, बट आई मीन टू से दैट कि बैंक के लिए बहुत चैलेंजेस थे। सो कहीं ना कहीं मेजर रिफॉर्म्स किए गए, एंड अगर मैं आपसे कहूँ, मैं बताऊँगा आपको 17-18 में, ईयर 17 फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर बजट अनाउंसमेंट के साथ साथ एक रिफॉर्म किया गया था, जस्ट सेबी ने एक यू नो व्हाट एक ऑर्डर दिया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की भाई से भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें RBI की रिप्रेजेंटेटिव थे, यू नो व्हाट कई सारे रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, जैसे मर्चेंट बैंकर्स बोलते हैं, ठीक है, लॉ फर्म्स थी, अदर एक्सपर्ट्स थे, तो इन एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी, उन्होंने अपना व्यू दिया कि हाँ एक स्पेसिफिक प्रोविजन और क्या रेगुलेशन होना चाहिए ऐसी रिसिट्स के लिए, इज इट क्लियर। अभी हम एक बात समझते हैं सिर्फ, तो हमने एक छोटा सा व्यू के देखा कि सिक्योरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कोई नया इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए जो क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, उसको सुनो मेरी बात को ध्यान से। सो हम बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ, इसे प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लोन चल रहा था उस वो NPA की कैटेगरी में था, NPA कैटेगरी से उठाकर हमने खरीद लिया, किसने खरीदा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इज इट क्लियर। अब वही काम क्या करेगा आगे जाकर, उसी को क्रिएट करेगा, क्या करेगा, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेगा, जैसे बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज सिक्योरिटी रिसिट्स, इज इट क्लियर। जब ये भी देखेंगे सिक्योरिटी रिसिट्स क्रिएट होती हैं, इन्हीं सिक्योरिटी रिसिट्स को इन्वेस्टर्स को सेल आउट करा जाता है। अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ गई होंगी, इसलिए हम लोग पिक्चर पर चलते हैं आपको प्रोसेस समझाने के लिए। आइए इस पिक्चर को अगर आपने ध्यान समझा तो आपका प्रोसेसर आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने एग्जांपल में बताया था, ये ऐसे में बोरोअर, इन्होंने बैंक को अप्रोच किया, देखो यहाँ बोरोअर है, इसे हम ध्यान सुना ऑब्लिगर भी बोलते हैं, ऑब्लिगर, एक बार आप भी नोट कर लीजिएगा, बोरोअर इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिगर, ठीक है, ऑर्गिनेटर जिसे हम यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs हम जिनको बोल रहे हैं, जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ऑर्गेनेटर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है मनी, ठीक है। अब ऑर्गेनेटर क्या करता है, बेसिकली ऑर्गेनेटिंग करता है व्हाट लोन्स टू बॉरोअर, जिसको हम ऑब्लिगर कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और अल्टीमेटली इसकी ड्यूटी बन रही है कि इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इसको पे ऑफ करना, किसको, अभी ऑर्गेनेटर को। ध्यान सुन जाना बेटा, प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना, इजीली बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब इंटरेस्ट में क्या कर रहा है, या प्रिंसिपल डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट करेगा तो अल्टीमेटली देखो ये जो बैंक इसको लोन्स प्रोवाइड किया था ना, बैंक के लिए क्या थी बेटा, ये फाइनेंशियल एसेट्स, बैंक के लिए क्या थी, फाइनेंशियल एसेट्स, और जब ये फाइनेंशियल एसेट्स में डिफॉल्ट होगा, देखो फाइनेंशियल एसेट्स में डिफॉल्ट होगा, देखो ध्यान से, फाइनेंशियल एसेट्स में डिफॉल्ट होगा तो अल्टीमेटली बैंक के लिए क्या ट्रीट होगी, वो NPA बनेगी, हम NPA बोलेंगे इसको यहाँ पर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, पहले जब इससे इनकम आ रहा था, इंटरेस्ट मिल रही थी, कंटिन्यूस इनकम मिल रहा था, तो ये लिक्विड थी हमारे एसेट्स, ठीक है, लिक्विड इन द सेंस के यहाँ से फंड फ्लो कंटिन्यूसली मनी रिसीव हो रहा है।
इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि कई बार क्या करते हैं इस ये जो हम बोल रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन इज अ टेक्निक टेक्निक है किस तरीके टेक्निक है जो बेसिकली इलिक्विड एसेट्स को या क्लेम्स को कन्वर्ट करती है ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में। अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट हुआ, अब अल्टीमेटली बैंक क्या करेगा, सेल कर देगा किसको, एसेट्स को, कौन सी अपनी एनपीए को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, किसको कर रहा है, एसपीई। इस पे बोलते हैं स्पेशल डिस्टिंक्ट स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है, एसपीडीई, ऑलराइट, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। अब बेसिकली बताऊंगा ये कौन होती हैं, ठीक है, आप खुद सोच के देखिएगा। बैंक का काम थोड़ा ना कि रिकवरी कर खेलता रहेगा, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पर ऐसे केसेस में इनको, या बैंक खुद बैठ के अभी सिक्योरिटी रिसीट इशू करेगा, नहीं, वो क्या कर रहा है, इसको सेल आउट कर रहा है, किसको कर रहा है, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी को, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ क्या होगा बेटा, दो तीन रोल्स आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइज्ड, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे इसका रोल आएगा किसका, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कब देगा, किसको देगा बेटा, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को उसमें डिफॉल्ट नहीं हो, किसको, जो इशू की जा रही है, किसको, इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स। अभी बहुत ध्यान सुनना, प्रोसेस तभी क्लियर होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये सेल कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया। बेटा जब ये जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी, बेसिकली कैसी थी, ये सिक्योर्ड सिक्योरिटीज थी, इन सिक्योर्ड सिक्योरिटीज को किसको सेल आउट किया गया है, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। अब क्या करेगा, जो ये जो अपने पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, ये होमोजेनियस नेचर की होंगी, होमोजेनियस का मतलब जिनका सेम, यू नो, जो कलेटरल बेस्ड है, कलेटरल है मतलब सिक्योर्ड है, और एक कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। उस कैटेगरी का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम उस इंस्ट्रूमेंट को सिक्योर करेंगे उस पर्टिकुलर एसेट्स के सिक्योरिटीज से। नहीं आया समझ में, इन भाई साहब ने जब बैंक से लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जब यहाँ पे हमने, तो यहाँ लोन लेने के लिए उन्होंने क्या दिया होगा, बैंक को सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी किसके पोजीशन में आ गई, बैंक के, बैंक ने उस सिक्योरिटी को, जैसे मान लीजिएगा एक आदमी ने घर दिया था, ठीक है, अब डिफॉल्टर है वो बंदा, इन दैट केस वो किसके पोजीशन में आ गया, वो बैंक के, बैंक ने उसके से सेल कर दिया, एसपीबी को, एसपी ने उसको एज ए कलेटरल सिक्योरिटी, आप कहते हैं ना डेट सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे यहाँ सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हैं, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट ही होगा, इसलिए यहाँ पर रेटिंग एजेंसी ली, हमने रेटिंग एजेंसी से लिया है रेटिंग, ठीक है। ना इन्वेस्टर्स को जब हम सेल करेंगे, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के बदले हमको क्या दे रहा, पैसा देगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब पैसा जब आएगा तो अल्टीमेटली बैंक को हम वापस पैसा कर देंगे। सर फिर इसको क्या मिला, बेसिकली यहाँ तो ये अपनी फीस चार्ज करेगा, ठीक है, आप सोचेंगे इन्वेस्टर्स को मिला, इन्वेस्टर्स को जो इनकम जनरेट होगी ना बेटा इससे, कौन सी, जब एनपीए को सेल किया गया, और जो बैंक को इससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है कंटिन्यूस, क्या हो रहा है, जो बैंक को इंटरेस्ट इनकम कंटिन्यूस इससे मिल रहा होगा, इन दैट केस वहाँ से इनकम जो आ रही है वो किसको मिलेगी बेटा, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर क्या करता है, एक एसपीबी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को एक इंटरेस्ट परसेंटेज देता है कि इन्वेस्टर्स उस इंटरेस्ट परसेंटेज को इंजॉय करेंगे, इज इट क्लियर। और आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप बोलेंगे सर मान लीजिएगा यहाँ से इंटरेस्ट फ्लो ना बंद हो गया तो, ठीक है, या पैसा नहीं मिला तो इन दैट केस आपने देखा होगा ना, इन्होंने अगर गड़बड़ किया, इन्होंने अगर गड़बड़ किया तो इनका इंस्ट्रूमेंट जो था सिक्योर था, उसका पोजीशन ऑलरेडी हम किसके पास ले चुका है, बैंक ने सेल आउट कर दिया उसको, तो उसी को थ्रू हम सेल आउट करके इन सब की पेमेंट्स करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है ना, कुछ अलग एंटिटीज होंगी, यहाँ पे बोल रहे हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट, लिक्विड सपोर्ट, हैजिंग, एनसी सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बीच में आने वाली कुछ, जैसे लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सब अपना अपना रोल प्ले करेगा इसके अंदर। क्या हो रहा है, अच्छा अब जब हम बोल रहे हैं तो बैंक को एक बेनिफिट मिला नहीं मिला, सुनो ध्यान से, बैंक को क्या बेनिफिट मिला, बैंक का एनपीए सुधर रहा है तो बैंक के पास पैसा आ गया, उसने हमने सेल किया ना, हमने सेल कर दिया, क्या बैंक का एनपीए सेल कर दिया, एसपी को चला गया, एसपी ने उसके अगेंस्ट एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया,
अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा आ गया सेल आउट होने के बाद में, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पैसा आएगा वो हम किसे दे देंगे, बैंक को, आफ्टर डिडक्टिंग सम चार्जेस। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आता है, डिडक्टिंग चार्जेस डिडक्ट करने के बाद में, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मिलना था, अब बैंक 80 इंजॉय कर रहा है, 20 का भले ही लॉस है बट 100 का लॉस नहीं है, तो बैंक को कहीं मिल रहा है 80 मिल रहा है, 20 जो होगा वहाँ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन इनके सबके पास होता साथ में होगा। इज इट क्लियर? अभी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके ये, अब बैंक के पास 80 रुपीज आएगा तो बैंक की कैपेसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी पैसा और देने की, इसलिए बोलते हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट। अल्टीमेटली क्या होगा, लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब वो एनपीए थी तो इलिक्विड थी ना, जब एनपीए थी इलिक्विड थी, अब कैसी होगी, लिक्विडिटी। एंड हैजिंग कैसे कर रहे हैं मेरे बच्चे, हैजिंग कैसे हो रही है, हैजिंग हो रही है यहाँ जो पैसा आ रहा है बैंक के पास इंटरेस्ट का, इन द फॉर्म ऑफ यू नो इन द कैटेगरी ऑफ एनपीए, क्योंकि रिकवरी जिससे होता जाएगा जितना पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ से पे ऑफ किया जाएगा, पे हो रहा है। क्या बनता है देखते हैं, ये देखिएगा, देखिए हम यहाँ देखें अगर ध्यान से कौन कौन से ऐसे लोन्स होंगे, देखो जैसे एग्जाम्पल ये ऑटो लोन्स, मॉर्गेज लोन्स फॉर यू नो होम लोन्स से बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अच्छा क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स आप जानते होंगे अनसिक्योर्ड होते हैं, है ना, अनसिक्योर्ड इन नेचर, तो इनकी कैटेगरी हम अलग बनाएंगे। जो सिक्योर्ड कैटेगरीज होंगी, ठीक है, सिक्योर्ड कैटेगरीज होंगी, सिक्योर्ड लोन्स होंगे, उनकी कैटेगरी हम अलग बनाएंगे। इसी को बनाने को हम बोलते हैं पूलिंग, पूलिंग एंड रीपैकेजिंग। बोलो मेरे साथ में, पूलिंग एंड रीपैकेजिंग। क्लियर है, जो बना रहे हैं इनको अलग अलग उसको बोलते हैं पूलिंग एंड रीपैकेजिंग, रीपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रीपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्या हो रहा है, पूलिंग एंड पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ कौन सी है। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे, होम लोन से रिलेटेड होंगी तो किसे बोलेंगे, होम लोन का कैटेगरी होगा तो होमोजेनियस। इज इट क्लियर? सो पुलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, एंड क्या करेंगे अल्टीमेटली, उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड सेल आउट टू द इन्वेस्टर्स। देखो यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पूल किए, रिपैकेज किए सेम कैटेगरी का एसेट्स को, और अल्टीमेटली उसे हमने कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज में, एंड देन सेल आउट टू द मींस इशू टू द सिक्योर इन्वेस्टर्स। अल्टीमेटली क्या बनेगा इंस्ट्रूमेंट हमारा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब मार्केटेबल जब सिक्योरिटीज की मैं बात करूंगा ना, तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि हम कौन कौन से रेगुलेशंस को कंसीडर करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बार पिक्चर्स के थ्रू क्लैरिटी दे रहा हूँ कि टॉपिक आपके माइंड में इजिली सेट हो जाए। अब देखो जिसको हम ऑर्गेनेटर बोल रहे हैं, मैंने बताया था अभी आपको, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, क्लियर एकदम, या NBFCs हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहता है अनब्लॉक्स कैपिटल, जो फंसा हुआ पैसा था वो क्या अल्टीमेटली बैंक को मिलेगा, प्लस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। ऑफकोर्स जिससे इनकम जनरेट नहीं हो रहा था अल्टीमेटली इनकम जनरेट होगा, क्योंकि जब आप सेल आउट करोगे NPS को तो अल्टीमेटली NPS को सेल आउट करने के बाद हम सिक्योरिटीज बनाई, सिक्योरिटीज से जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स किए अल्टीमेटली पैसा आएगा वापस बैंक के पास में। लोअर फंडिंग कॉस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बैंकों नहीं कर रहे हैं, बैंक किसके थ्रू कर रहा है, स्पेशल पर्पज डिस्टिंग एंटिटी के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट ऑफकोर्स, अब जहां पर आप सोच से देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना, अभी आप बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा कि बैंक को तो मजा आ गया, 100 का 100 रुपया आ गया, बीच में फिर सबको क्या मिला, 100 रुपया का लोन है, जस्ट थिंक अबाउट इट, 75 रुपीज में उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है, स्टिल बैंक को क्या बेनिफिट मिल रहा है 75 रुपीज का, 25 जो रिमेनिंग है ना उसका काम क्या करेगा, वो सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंजॉय करेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूट करके टू यू नो व्हाट टू द इन्वेस्टर्स। तो रिस्क रिड्यूस हुआ नहीं हुआ, इज इट क्लियर? ओवरकमिंग प्रॉफिट अनसर्टेनिटी, ये भी अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होता, इनकम बैंक को कहां से मिलती है बेटा, इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक की, क्लियर? एंड रिड्यूस द नीड फॉर फाइनेंशियल लेवरेजेस, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी बैंक की, क्लियर? इन्वेस्टर क्यों आए, कहता है क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है सर, क्यों सर, होमोजीनियस फाइनेंशियल सेट्स हैं यहाँ पे, होमोजीनियस मतलब एक से क्वालिफाइड शंदर वाली सिक्योर्ड कलेटरलाइज सिक्योरिटीज, इसलिए हम लेंगे। लेस क्रेडिट रिस्क, क्योंकि ऑलरेडी बैक्ड बाय कैसी है, मॉर्गेज, बेटर रिटर्न्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक नया इन्वेस्टमेंट तरीका मिल जाएगा, डाइवर्सिफाइड सोचते ना, अभी इक्विटीज में किया इन्वेस्टमेंट, अभी डिबेंचर्स में किया, अभी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल होगा, एंड बेनिफिट स्मॉल इन्वेस्टर्स। I'll catch you, I mean, I'll provide you entire things to your, you know what, we will discuss entire thing with you through your module. Now come to the module and read the concept. Interesting है, ध्यान से अगर देखें ना आप लोग, बहुत interesting है, देखो आओ।
चैप्टर नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। पहली बात कह रहा है, देखो आपको भी पढ़ाए थे, क्या है सिक्योरिटीज? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज यूज्ड बाय द फाइनेंशियल एंटिटीज टू रेज द फंडिंग अदर देन। अब अदर देन का मतलब जो बैंक, देखो एंटिटीज के पास और तो ऑप्शन है ही, बट कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज यूज्ड बाय फाइनेंशियल एंटिटीज टू रेज फंडिंग अदर देन व्हाट इज अवेलेबल बाय ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑन बैलेंस शीट फंडिंग्स। ट्रेडिशनल मतलब जानते ही हम लोग, ऑन बैलेंस शीट समझ में आता है ना, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस शीट के अंदर जो एनपीएस हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, बैंक्स क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली उसके बदले जो इशू कर रहा है क्या, सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो तो मैंने आपको बताया लोन्स होते हैं। एक जनरल लैंग्वेज देखें तो क्या कर रहे हैं, टेक्निक यूज टू कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स और क्लेम्स, क्योंकि बैंक का राइट बनता ना, इसलिए बोल रहे हैं क्लेम्स इन टू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है। सिक्योरिटीज इज द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। अभी बताया था आपको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्या करेगा, पुलिंग, पुलिंग मतलब क्रिएशन ऑफ फंड एंड रिपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस, होमोजेनियस एक जैसी ना इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, हमने अभी देखा था अभी ना। एंड द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ इंटरेस्ट इन और आर सिक्योर्ड बाय द सेग्रेटेड इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स और पूल ऑफ एसेट्स। सेग्रेटेड अलग अलग या सेम पूल ऑफ एसेट्स। अभी इसका मतलब देखो, एनपीए का मतलब यहाँ पर ये नहीं कर दिया मैंने, एनपीए की कैटेगरी होती है, इसमें भी स्टैंडर्ड यू नो एनपीए में भी स्टैंडर्ड क्लासीफाइड करते हैं एसेट्स को, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली डिक्लेयर एनपीए इमीडिएट कर दिया हमने। बोला यहाँ पर क्या है कि कहीं डिफॉल्ट हो रहा है, किसी से रिसीव हो रही है, हमें पैसा आया फिर नहीं आया, बैंक के राइट्स बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि हम सेम कैटेगरी के एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से लोन्स हो सकते हैं, सिक्योर्ड बाय द पर्सन, ऑटोमोबाइल्स, रियल इक्विपमेंट लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर लोन्स जानते हैं हम लोग, आपने कोई होम अप्लायंसेस लेने हैं या यू नो व्हाट लाइक आपने देखा होगा, आपको लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है, आपको एसी खरीदना है, आपको टीवी खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, ये सारे क्या है, होम अप्लायंसेस या होम गुड्स, इज इट क्लियर? तो इसे हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स, ये किस नेचर के होते हैं बेटा, अनसिक्योर्ड, तो इनकी कैटेगरी भी हम बना सकते हैं। और एक सिमिलर कैटेगरी भी हो सकती है जहाँ से इनकम प्रोड्यूस हो रही होगी और बैंक को उस पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्लियर? पार्टीज कौन कौन सी होती है बताए थे अभी, स्पेशल पर्पज जैसे एंटिटी इज क्रिएटेड टू होल्ड अ टाइटल अंडर असेट्स अंडरलाइंग द सिक्योरिटीज जो उसको सेल आउट की गई है, प्लस ऑर्गेनेटर मतलब आप बैंक बताए थे, बैंक करेगा सेल करेगा असेट्स एग्जिस्टिंग और फ्यूचर टू द एसपीडीई, इज इट क्लियर? प्लस एसपीडी क्या करेगा बेटा, मीन्स स्पेशल पर्पज जैसे एंटिटी इन्वेस्टर बैंक की हेल्प थ्रू इशू करेगा सिक्योरिटीज को टू इन्वेस्टर्स, अल्टीमेटली जो पैसा आएगा किसके पास से, इन्वेस्टर्स से पैसा जो आएगा, हमने सिक्योरिटी इशू किया था ना, वो किसको दे देगा, ऑर्गेनेटर को, फॉर असेट्स विद द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। यही पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपसे उस पिक्चर में डिस्कस किया है, आगे हम चल के देखते हैं फटाफट से। स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्विजिशन करेगा फाइनेंशियल एसेट्स का, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछना इसमें, बाय सिक्योरिटाइज कंपनी जिसका हम यहाँ बोल रहे हैं SPDE स्पेशल पर्पज जैसे एंटिटी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनेटर, ऑर्गेनेटर अभी याद रखिएगा बैंक्स हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, क्लियर, कोई डाउट नहीं रहे। हियर फाइनेंशियल सेट्स आर लोन्स बैक बाय द प्रॉपर्टीज, अभी बता रहे थे बैक बाय प्रॉपर्टीज मीन सिक्योर्ड हैं। Now, ऑर्गेनेटर इज अ बैंक इंस्टीट्यूशन whom has lent money to the original borrower. Original मतलब जैसे सबसे पहले जिसने बैंक से होम लोन लिया था, होम लोन लेने के बाद में अल्टीमेटली क्या किया, उसको सिक्योर्ड किया था, अब वो बॉरोअर हो गया, वो कहीं डिफॉल्ट कर रहा है या इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट कर रहा है, इन दैट केस वहाँ हम कैटेगराइज करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे कई लोग होंगे। Now, SPV विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इशू सिक्योरिटी रिसिट्स, अब ये सिक्योरिटी रिसिट्स है ना मेरे बच्चे, इसको ही सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बाय इंसर्टिंग एन अमेंडमेंट सिक्योरिटी रिसिट्स को ऐड किया गया अंडर डेफिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज, क्लियर? एसपी पेज द ऑर्गेनेटर फॉर द फाइनेंशियल सेट्स परचेज विद द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। अब वही असेट्स कंपनी, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके हम बोल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, या हम बोल रहे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, वो क्या करेगी अल्टीमेटली इसे सेल आउट करेगी किसको, एनपीएस को, किसको करेगी, इन्वेस्टर्स को, कैसे कर रही है, बाय मेकिंग द सिक्योरिटी रिसिट्स
उनसे पैसा आएगा, अल्टीमेटली उसको किसको जाएगा वापस, ऑर्गेनेटर को। पार्टीज की बात करें, ऑर्गेनेटर, एसपीवी, इन्वेस्टर्स, ऑब्लिगर, रेटिंग एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटर। कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं, देखो सबसे पहले हमने आपको यही बताया था, द इंडस्ट्री वॉज बॉर्न इन 1970 इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट्स गारंटीड रेजिडेंशियल होम मॉर्गेजेस बाय द गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशंस। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है 1970 में यूएस में। ये बीच का स्टोरी चाहिए आप रीड कर सकते हैं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन रीड इट। सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ, देखो पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बोलो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सर फर्स्ट एक जिसे बार बार बोलते हैं, एंड सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी एसेट्स रेगुलेशन 2008। ये पहली डील थी, देखो फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन डील इन इंडिया बिटवीन सिटी बैंक एंड GIC, गारंटीड, अभी नोट करने का यहाँ सुनना, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट म्यूचुअल फंड्स इन 1981 फॉर 160 मिलियन रुपीज के लिए की गई थी। अब यहाँ देखो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हमको सर्वासी इफेक्ट पढ़ना होगा, तो उसका नाम अभी के भी याद करेंगे, बोलो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बोलो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इज इट क्लियर? एक तो ये है, दूसरा हमको क्या समझ रहा है, इशू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी एसेट्स रेगुलेशन 2008 एंड आरबीआई गाइडलाइंस। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा, ट्रेडिंग जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी सिक्योरिटी एसेट्स में, ट्रेडिंग फैसिलिटीज मतलब लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी? सर वो मिलेगी हमको सेबी के रेगुलेशंस को कंपाइल करके, और सेबी का रेगुलेशन कौन सा है बोलो, इशू लिस्टिंग ऑफ व्हाट, सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स, बोलो सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिट्स 2008 एंड आरबीआई गाइडलाइंस। क्यों बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना, क्योंकि अगर आपको आप देखिए ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, देन जस्ट थिंक अबाउट इट यार, इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? पता लगा पहले वो बैंक के लिए इलिक्विड थी, अब यहाँ इन्वेस्टर जो है वो फाइंड आउट करता घूम रहा है क्या इन्वेस्टर्स, तो इन दैट केस याद रखेगा यहाँ एक वो भी बता रहा हूँ अमेंडमेंट्स को रखा गया था, देखो अभी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं, कहता इनिशियली सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स 2008 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, पब्लिक ऑफर सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स, पब्लिक ऑफर को कर रहे हैं, पब्लिक को कर रहे हैं तब, प्लस लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय इशू टू पब्लिक और एनी पर्सन ऑन RSE, तो बोला आपको ये रेगुलेशन अप्लाई करना पड़ता था। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना अपनी बुक में आइएगा मॉड्यूल्स में, इन बजट स्पीच 1718 द हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स इशूड बाय सिक्योरिटाइजिंग कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सरफेसी एक्ट टू बी परमिटेड इन सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। और यहाँ पर क्या एक रिफॉर्म किया गया था, देखो सब्सिक्वेंट टू दिस अनाउंसमेंट बजट अनाउंसमेंट सेबी सेट अप कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ RBI, बताया था भी बोलते बोलते आपको, इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स, रेटिंग एजेंसीज, लॉ फर्म, एक्सचेंजेस, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोर्ट्स, मर्चेंट बैंकर्स, और अल्टीमेटली क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया लिस्टिंग के लिए इन्होंने ऑफ सिक्योरिटी रिसिट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उसके भी इन्होंने बात करी। अल्टीमेटली हम देखेंगे यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट इंसर्ट किए गए थे, जिसका नाम था पहला, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर सेबी पब्लिक ई ऑफर एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2018, कैसा हम एग्जाम में लिख के आएंगे अमेंडमेंट, याद देखिएगा जहाँ पर अमेंडमेंट है, जहाँ पर मैं बताऊँगा भी कहाँ पर अमेंडमेंट जिसके अंदर कंसिडर किए गए हैं। बट हमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने की, क्या हम यहाँ तीन रेगुलेशंस के साथ इसको समझेंगे, पहला हमारे लिए क्या था सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, याद रखना ठीक है, एंड जैसे हम सरफासी बोल रहे हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफासी एक्ट पूरा नाम याद रखिएगा एग्जाम में लिख के आइए पूरा। सेकेंड हमने कहा सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिट्स एक्ट 2008 अमेंडमेंट्स के साथ रखें, आरबीआई की गाइडलाइंस ठीक है, ये मैं आपको बता रहा, देखो डिजिटल सिक्योरिटी हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड द सिक्योरिटी रिसिट्स, जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की डेफिनेशन में चेंज किया गया, मतलब उसमें सिक्योरिटी रिसिट्स की डेफिनेशन चेंज किया गया, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट मे बी आस्क यू नो इन अपकमिंग एग्जाम्स पूछ सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई कैसे इंडिया में इसने ना ये प्रॉपर्टी गेन करी है। आइए इसे फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, ये भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि NP किस तरीके से यूनिवर्ट बैंक के सामने आ जाती हैं, या बैंक को यूनिवर्ट NP
बोलना पड़ता है कि भैया ये एनपी हो गई क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा रीड करते हैं इसको ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। अपना मॉड्यूल साथ में रखिएगा, सामने रीड कर रहा हूँ, आपको बताऊँ कहाँ अंडरलाइन करना है। ऑलराइट, व्हेन अ बोरोअर हु इज अंडर लायबिलिटी टू पे सिक्योर क्रेडिटर्स मेक्स एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज सिक्योर डेट्स और एनी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलमेंट दे ऑफ अकाउंट ऑफ बोरोअर्स क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड बी कंसीडर्ड रियल इकोनॉमिक कॉस्ट टू द नेशन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट व्हाट एप्लीकेशन ऑफ स्केयर कैपिटल, कमी आएगा ना बेटा पैसे का, एंड क्रेडिट फंड्स टू अनप्रोडक्टिव यूजेस। द मनी लॉक्ड अप इन एनपीए आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोडक्टिव यूज एंड टू एक्सटेंड दैट बैंक सीक्स टू मेक प्रोविजन फॉर एनपीए और राइट देम ऑफ ऑलराइट इट इज चार्ज ऑन देयर प्रॉफिट्स। अल्टीमेटली बैंक के प्रॉफिट्स में इंपैक्ट पड़ेगा। हाई लेवल ऑफ एनपीए इंपैक्ट एडवर्सली हाइलाइट कीजिएगा ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बैंक्स व्हेन प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म टू द स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पब्लिक एट लार्ज इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज बैंक्स मेन सोर्स ऑफ फंड्स आर डिपॉजिट्स। बैंक के पास कहाँ से बैठा आया था पैसा, डिपॉजिट से। प्लीज बाय द पब्लिक कंटिन्यूड ग्रोथ इन एनपीए पोर्टफोलियो थ्रेटन द रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। अब अगर अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक के पास अगर एनपीए ज्यादा आएगा तो बैंक की रिपेमेंट कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, वीक पड़ेगी एंड इरोड द कॉन्फिडेंस रिपोज बाय देम इन द बैंक्स। और अल्टीमेटली लोगों को लगेगा यार बैंक तो डिफॉल्टर है, इससे तो बच के रहना है। बैंक डिफॉल्टर क्यों जाएगा, सोचने वाली बात है। बैंक ने लोन प्रोवाइड किया, बैंक के पास खुद पैसा नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली बैंक कहां से पे ऑफ करेगा, क्लियर होने बाद। नाउ बैंक हैड टू टेक रिकोर्स समझते ना, कई सारी कोशिश करता है लॉन्ग लीगल रूट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोअर बिगिनिंग फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द क्लेम्स इन द कोर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम वॉज यूजली स्पेंड इन द गेटिंग डिक्री एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर द बैंक्स कुड्स मेक सम रिकवरीज। अब पहले यू नो व्हाट, सूट फाइल कीजिएगा क्लेम्स के लिए, इट टेक्स टू मच टाइम। इन द मीन टाइम द प्रमोटर कुड सीक द यू नो व्हाट प्रोटेक्शन अंडर BIF, आप समझते हैं ना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब आपने लगा के एप्लीकेशन, प्रमोटर ने एप्लीकेशन लगा दिया तो आपको यहां से भी रेमेडी मिल गया, किसको, बोरोअर को। एंड कुड ऑल्सो डिल्यूट द सिक्योरिटीज अवेलेबल टू बैंक। द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेट अप बाय द कोर्ट ऑल्सो डिड नॉट प्रूव टू बी मच हेल्प एज दीज गेट ग्रेजुअली ओवरबर्डन बाय द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ केसेस रेफर टू देम। ऑल अलॉन्ग द बैंक्स वर फीलिंग ग्रेटली हैंडीकैप्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पावर फॉर सीजर ऑफ असेट्स एंड चार्ज टू देम। ऑल दीज इश्यूज गेव द पैसेज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटी एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अल्टीमेटली हमने क्या बनाया, फिर एक्ट सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, बोलिएगा सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इज अ यूनिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन व्हिच हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस एंड द एक्ट हैविंग ओवरराइडिंग पावर ओवर द अदर लेजिस्लेशन एंड इट शैल गो इन एडिशन टू द Not a derogation of certain legislations. Of course, overriding effect होगा bank के cases में, आप देखिएगा सरफासी वेक कह रहा है साहब साहब ये कि भाई SIG जहाँ पर NPS की बात आएगी और bank अपनी recovery करेगा तो हम वहाँ पर चेक करेंगे क्या, सरफासी एक्ट 2002। और याद देखिएगा ये overriding effect रखेगा, ये याद देखिएगा addition में होंगे, ठीक है, but यहाँ derogation नहीं किसी और एक के साथ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली सरफासी एक्ट ने प्रोवाइड किया है तो बैंक्स उसको, बैंक के लिए वो बेनिफिशियल है, बैंक उसे कंसिडर करेगा। अगर कोई और एक्ट में कुछ लिखा है और वो ओवरराइड कर रहा है सरफासी एक्ट को तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन खैर यहाँ फिर मैं आपको कहूँ सिर्फ एक बार रीड करना है इसको, पॉइंट को देखते हैं, ये देखिएगा अनाउंसमेंट मेड बाय द हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच 2021 टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिसिप्लिन व्हाइल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ स्मॉल बोरोअर For NBFC with the minimum size asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act 2002 has been reduced 20 lakh from the 50 lakh. अब ये कह रहा है 20 लाख तक के भी अगर लोन्स कैसे कैसे हैं बेटा, किस कैटेगरी के जा रहे हैं, ध्यान सुनना, जहां हम उसको NPA कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, मतलब NPA इन द सेंस कि अगर ऐसे लोन्स हैं जो NPA में हैं 20 लाख के, ठीक है, पहले 50 लाख थी अब इसको 20 लाख किया गया है, ठीक है, और
ताकि जो स्मॉल बोरोवर्स है वो भी इम्पैक्ट नहीं हो, और फिर क्रेडिट डिसिप्लिन बना रहे, इसके लिए वहाँ पर क्या रखा गया कि रिकवरी आप 20 तक की रिकवरी सिर्फ आसी एक्ट के थ्रू जो प्रोसेसर डिफाइन किया गया उस प्रोसेसर के थ्रू करेंगे। क्लियर है? इसकी डिटेल में और जाऊंगा, फिर बताऊंगा मैं अभी आपको, बट मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार वापस से रीड करें, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है? और एक बार पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो NRK9 के आपको व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर क्वेश्चन क्वेरीज अच्छे से पूछेगा, ठीक है? इसके अलावा बेटा टेस्ट हम लोग इसका ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है? सो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, जितना भी हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं उस अच्छे से हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके पूरे प्रोसेस समझेंगे। ऑलराइट, तब तक एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।